वासुदेव आय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्य, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ विशेष ऐसे फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे जो ये जानना एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत बड़ा होता है, और जानने से कभी जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, शायद आप देखे होंगे कि कुंडली में सभी ग्रह खराब हो, अगर खराब हो भी, अगर दो साल ऐसे स्थिति होते हैं उसमें अगर ग्रह मजबूत होता है तो जितना भी खराब कुंडली क्यों ना हो उतना परेशानी में जातक को नहीं डलवाता है। ठीक है, हम तो बात करेंगे बलि सूर्य के ऊपर, कुंडली में कहाँ कहाँ बलि होने से क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में हम जानेंगे, या निर्बली होने से भी जानेंगे। उसके अलावा आगे के वीडियो में हमने जाना था कि निर्बली सूर्य की जो विशेषता है क्या क्या है, ये थोड़ा हटके है, समझिएगा बात को। देखने से एक ही लग सकता है लेकिन थोड़ा हटके है, इसके लिए हमें विचार क्या करना होगा, इसके लिए हमें विचार करना होगा लग्न की अधिपति को और लग्न में स्थित ग्रहों को। ठीक है, फिर दशम भाव की अधिपति को और दशम भाव में स्थित ग्रहों को हमें देखना होगा कि वो बली है या निर्बली है। अगर ऐसे में सूर्य देवता लग्न में स्थित हो या लग्न की अधिपति हो या दशम भाव में स्थित हो या दशम भाव में दशम भाव की अधिपति हो, और अगर सूर्य देवता बली हो या निर्बली हो, क्या रिजल्ट जातक की कुंडली में आएगा और जातक का व्यक्तित्व उसी हिसाब से होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और वो भी विस्तार से जानेंगे। देखिए, लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि अगर सूर्य देवता अगर लग्न में हो या लग्न की अधिपति हो या लग्न में स्थित हो, या दशम भाव की अधिपति हो या दशम भाव में स्थित हो, अगर वो बलि होता है तो वैसे सूर्य जो है उसे सूर्य क्या करता है, जातक को नेतृत्व का जो गुण है वो देता है। उसका प्रवृत्ति जो है वो दयावान होता है। ठीक है, और ये ऊर्जा एवं धन संपदा से भरपूर होता है वैसे जातक व जातिका। वो विचारों में पवित्रता रहता है, निष्ठावान होता है, सत्यता उनमें उनके हर बात में रहता है। ठीक है, और ये उन लोगों का डर नहीं रहता, किसी से डर नहीं रहता है, भयहीनता से रहता है, और सफलता एवं विजय प्रदान करने वाला होता है अगर सूर्य देवता बलि हुआ तो। फल दीपिका अगर आप पढ़े तो आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सूर्य, ठीक है, फल दीपिका के अनुसार सूर्य जो है ये यश, साहस और सम्मोहन करने की क्षमता जातक को प्रदान करता है अगर वो बलि होता है, और साथ ही साथ आकर्षण देता है, बहुत आकर्षक होता है वैसा व्यक्ति। और समझिएगा कि अगर यदि सूर्य देवता बलि, सूर्य देवता केंद्रों की अधिपति होकर, ठीक है, साथ ही साथ त्रिकोण के स्वामी होना उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ठीक है, अगर सूर्य देवता केंद्र या त्रिकोण में, ठीक है, त्रिकोण की स्वामी होकर अगर स्थित होता है लग्न में, तो ऐसे जातक को लग्न में या दशम भाव में, तो ऐसे जातक को क्या होता है कि अब समझिएगा, ये जातक जो है शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत होता है, सब किस्म की पावर उनमें रहता है। और काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखें तो सूर्य देवता जो है सबसे पवित्र भाव, जो पंचम भाव के अधिपति होते हैं, और पंचम भाव होने के कारण क्या होता है, क्या दर्शाता है कि वो पिछले जन्म में क्या कर्म क्या था। ठीक है, पिछले जन्म का कर्म का ये जो द्योतक होता है, इसलिए कुंडली में बलि सूर्य जीवन में हमेशा सफलता प्रदान करते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं जातक की कुंडली में अगर सूर्य देवता बलि होता है तो।
कौन सी स्थिति में हम देखेंगे कि लग्न में बलि में हो या दशम भाव में बलि हो या लग्न की अधिपति होकर बलि हो या दशम भाव की अधिपति होकर अगर बलि हो तो जातक को ऐसा ऐसे जो चरित्र जातक को प्रदान करते हैं साहस, उदासीनता, फिर प्रसन्नता, धन संपदा से जातक को भरपूर देता है। अगर ऐसे स्थिति में सूर्य देवता निर्बली हुआ तो ये समस्या के कारण बन जाते हैं। जैसे कि सूर्य देवता अगर वह ऐसी स्थिति में निर्बली होता है तो ऐसे जातक अहंकारी होता है, बहुत ज्यादा अभिमानी होता है और ये सातुकारिता पसंद करते हैं, ठीक है, जूठे स्थान वाला होता है और किसी भी चीज को बड़ा सरा कर बोलने में उन लोगों को आनंद आते हैं, उन लोगों को मजा आता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि इतना बड़ा बड़ा लेक्चर जार देते हैं कि कोई उनकी बातों को ठीक से सीरियसली लेता ही नहीं है, तो बाद में उसे पछताना पड़ता है। तो यह है सूर्य का बलि होना, कहां पर हमें देखना है, लग्न में देखना है। अगर लग्न में स्थित हो, लग्न की अधिपति हो, दशम भाव में स्थित हो या दशम भाव की अधिपति हो, अगर सूर्य देवता वहां पर बलि होता है तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। अगर वहां सूर्य देवता जो निर्बलि होता है तो जातक को खराब परिणाम देता है। आप लोग भी देखिए कि आपके लग्न में या दशम भाव में कौन सा ग्रह है, अगर सूर्य है वो बलि है या निर्बली है, और उसके हिसाब से आपके कर्म को देखिए, देखिएगा कि वो हमेशा आपको सही रास्ता दिलवाएगा, दिखाएगा। तो ये था सूर्य देवता के ऊपर, बलि सूर्य के ऊपर, निर्बली सूर्य के ऊपर। आशा है कि ये वीडियो आपको एस्ट्रोलॉजी को समझने में थोड़ा सा मदद करेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।